गुड मॉर्निंग एवरी वन सो दिस इज द टॉपिक फ्रॉम फंडामेंटल थर्ड यूनिट एंड केयर ऑफ डाइंग पेशेंट उसके अंदर का टॉपिक है केयर ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ हाउ टू टेक केयर ऑफ अ बॉडी और अ डेड बॉडी आफ्टर अ डेड बॉडी का कैसे केयर करना चाहिए ठीक है फर्स्ट इट्स अ फंक्शन ऑफ फिजिशियन टू डिक्लेयर द डेथ ऑफ क्लाइंट क्लाइंट आर नॉट लीगली डेड अंटिल द फिजिशियन सर्टिफाइड डेथ एंड नथिंग शुड बी डन देट वुड इंटरफेयर देयर लाइफ अस देर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ रिमाइनिंग इन द बॉडी द फिजिशियन फील्स द डेथ सर्टिफिकेट बिफोर द बॉडी टेकन होम ठीक है कोई भी डेथ डिक्लेयर नहीं कर सकता डेथ डिक्लेरेशन जो है वो कोई भी डेथ डिक्लेयर uh, नहीं कर सकता सिवाय एक फिजिशियन के ठीक है जिनके पास अथॉरिटी होता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है चांसेस होता है कि वो दोबारा मतलब थोड़ा बहुत भी पल्स हो थोड़ा बहुत भी हार्ट बीट हो तो कुछ मेरेकल होके वो दोबारा लाइव हो सकते हैं इसीलिए जो डेथ डिक्लेरेशन का पावर है अथॉरिटी है वो सिर्फ फिजिशियन को दिया जाता है ठीक है नर्स प्रिपेयरिंग द बॉडी ऑफ द डेथ शुड बी नो वेदर देर इज़ एन ऑटोस्पी और इनकोस्ट ठीक है जो नर्स बॉडी डेड बॉडी का केयर कर रही हैं या मतलब क्लीन कर रही हैं डेड बॉडी का उनको ये पता होना चाहिए कि वो कोई इंक्वायरी होने वाला है या कोई पोस्टमार्टम होने वाला है ऑटॉस्पी मतलब होता है कंप्लीट एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी डेड बॉडी का एग्जामिनेशन होने वाला है कि नहीं करके ठीक है अगर वैसा कुछ एग्जामिनेशन होना रहता है तो क्लीनिंग प्रोसेस फिजिशियन के ऑर्डर के हिसाब से होता है ठीक है या फिर नहीं भी होता है अगर वो आ, कोई क्रिमिनल केसेस हो जैसे कि रेप हो गया तो ये सब केसेस में अगर डेड बॉडी क्लीन नहीं किया जाता डेड बॉडी को विदाउट बिना ऑटोस्पी के और बिना एग्जामिनेशन के इफ़ डेथ कॉज्ड बाई एक्सीडेंट सुसाइड होमोसाइड पॉइजनिंग एक्सेट्रा इट शुड बी ब्रोड टू तो द नोटिस ऑफ द लीगल अथॉरिटी एंड बॉडी शुड नॉट बी हैंडल ओवर द रिलेटिव विदाउट द रिटर्न परमिशन ऑफ लीगल अथॉरिटी ठीक है अगर कोई ऐसा सुसाइडल केस रहता है होमोसाइड केसेस रहता है मतलब घर के घर पे मरने का या जहर बहर खाने का, का पॉइजनिंग वॉइजनिंग का तो वो सब केस में हम लोग को लीगल अथॉरिटीज़ को बताना चाहिए मतलब आसपास के पुलिस स्टेशन में बताना चाहिए और जब तक वो लीगल अथॉरिटीज़ साइन करके परमिशन नहीं देंगे डेड बॉडी को ले जाने का रिलेटिव्स को तब तक हमको उनका डेड बॉडी को रिटर्न नहीं करना है एक बार हॉस्पिटल में आ गया पेशेंट और उसके बाद डेथ भी हो गया तो बिना अथॉर मतलब बिना पुलिस वाले को बताए डेड बॉडी को हैंड ओवर नहीं करना है इफ़ वन द डेथ अकोर्स फॉलोइंग सर्टन कम्युनिकेबल डिजीज सच स्मॉल पॉक्स बॉडी रिक्वायर स्पेशल अटेंशन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज सच बॉडी शुड बी प्लेस इन द कोफाइन इमीडिएटली एंड कॉफाइन शुड बी सील्ड ठीक है अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज है स्मॉल पॉक्स है ठीक है या फिर कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि कोरोना है सार्स है मार्स है कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज मतलब जो एयर के थ्रू या ड्रॉपलेट के थ्रू फैल सकता है वो सब बॉडी को फॉइन में मतलब वाइट कलर के या फिर जो कम्युनिकेबल डिसीज वाले रहते हैं उनको मोस्टली ग्रीन कवर ग्रीन कलर के कपड़े में या ब्लैक कपड़े में वो किया जाता है ठीक है कफाइन कम्युनिकेबल डिसीज़ वाले को नहीं तो वाइट कपड़े में भी अच्छे से करके उसको सील कर दिया जाता है मतलब पेशेंट का फेस या फिर कोई भी बॉडी पार्ट को एग्जामिनेशन या देखने नहीं दिया जाता पेशेंट को पेशेंट के रिलेटिव्स को ठीक है अगर देखना भी है तो हॉस्पिटल में दिखाते हैं सिर्फ फेस उसके बाद तुरंत सील हो जाता है कम्युनिकेबल डिसीज रहता है तो वो प्रोलोंग टाइम तक उनका फ़ेस अनकवर अं, नहीं रख सकते कवर करके रखना पड़ता है Take a custom vary relation to the care of body after death. Certain principles are kept in mind. Bodies are embalmed and preserved to take to look as natural as possible. Distortion, discoloration, or scarring of the body and distressing to the family and friends. ठीक है अगर डेड बॉडी ज़्यादा समय तक रहे तो वो डीके होना स्टार्ट कर देगा और उनका मतलब जनरल सर्कुलेशन ना होने के कारण डिसकलरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है बॉडी ब्लैक पड़ना स्टार्ट हो जाता है इसीलिए अम्बालमिंग किया जाता है अम्बालमिंग मतलब ऐसा प्रिजर, प्रिजर्वेटिव डाला जाता है और इतना मतलब स्किन प्रिजर्वेटिव्स डाला जाता है ताकि उनका स्किन में साइनोसिस ना दिखे और उनका जो मेकअप किया जाता है ठीक है डेड बॉडी का जो मेकअप किया जाता है और उनके स्किन को प्रिजर्व किया जाता है नेचुरल दिखने के लिए उसको बोलते हैं अम्बालमिंग प्रोसेस ठीक है तो पेशेंट के रिलेटिव्स को अफेक्ट ना हो और उनके फ्रेंड्स को उनके जो भी फैमिली uh, है उनको अफेक्ट ना हो डेड बॉडी को देख के उनको और पेनफुल फील ना हो इसीलिए अम्बाल्मिंग और प्रिजर्वेशन किया जाता है ठीक है अम्बाल्मिंग एक टाइप का स्किन मतलब स्किन नेचुरल रखने के लिए किया जाता है और कभी कभी मेकअप भी किया जाता है ठीक है सरफेस मेकअप भी किया जाता है अम्बाल्मिंग में कस्टम वेरी इन रिलेशन टू टेक केयर इन ऑर्डर टू कैप्ट इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी इन नॉर्मल पोजिशन एंड फॉर्म द बॉडी शुड बी केयर्ड इमिडिएटली आफ्टर डेथ बिफोर राइगर मोटीज डेवलप ठीक है राइगर मोर्टिस मतलब अ स्टेज इन विच पूरा बॉडी क्या होता है हार्डनिंग और स्टिफनिंग होना स्टार्ट हो जाता है अकड़ना स्टार्ट हो जाता है डेथ के छः से सात घंटा बाद तो डेथ जैसे होता है उसके तुरंत बाद हमको केयर करना चाहिए डेड बॉडी का राइगर मोटिस फॉर्म होने से पहले ठीक है वॉट इज राइगर मोटिस हार्डनिंग और स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी अकड़ना स्टार्ट हो जाता है बॉडी ठीक है और आई क्लोज करते हैं नोज में रुई भरते हैं क्योंकि वहाँ का जो ब्लड वेसल्स है आँख में जो ब्लड वेसल्स है वो विजिबल दिखाई दिखाई देता है बाहर से और रोलैक्स फॉर्म हो जाता है रोलैक्स फॉर्म इन ब्लड वेसल्स में खून जम जाता है और आप आँख आँख को खुला रखोगे और नॉर्मल ऑक्सीजन मतलब नॉर्मल इन्वामेंट में उनका आई ओपन रहेगा तो उनका जो ब्लड वेसल्स है आई का वो फट सकता है ठीक है इसीलिए नाक और आई के आई को भी बंद रखते हैं और नोज में भी कॉटन डाल के रखते हैं और डेथ के तुरंत बाद केयर करना स्टार्ट करना चाहिए बिफोर राइगर मोर्टिस अपीयर द आई क्लोज इमिडिएटली इन द स्लीप एंड द बॉडी स्ट्रेच विद द हार्म लेड एंड साइडस रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड द माउथ इज क्लोज ठीक है उस टाइम पर क्या करना है आँख बंद करना है उनका अगर आर्टिफिशल टीथ है उनके मुंह में तो वो सब निकालना है और उनका नोस में भी क्या डालना है रोई डालना है और उनके सर के नीचे एक पिल्लो देना है द हेड इज एलिवेटेड ऑन अ पिल्लो एंड फोल्डेड टावेल और उनका हाथ पैर को सीधा करना है और उनको तकिए उनका सर जो है वो तकिए पे रखना है द हेड इज़ एलिवेटेड ऑन द पिलो एंड फोल्डेड टावल इज यूज टू प्रॉप द चिन फोल्डेड पिलो रखना है या फिर फोल्डेड टावल मतलब टावल को हल्का सा मोड़ के तकिया जैसा बना के रखना है ताकि उनका जो चिन है उनका जो टोढ़ी है वो मतलब उनका सर उठे ताकि टोढ़ी जो है वो नेक के तरफ आए ठीक है थोड़ा ऐसे फ्लैक्स रहे इफ़ नेसेसरी सैंड बैग में बी यूज टू केप द फीट टूगेदर द बॉडी शुड भी हैंडेड ओवर रिवरेंस विथ रिवरेंस ठीक है तो हमको हाथ पैर को सीधा सीधा रखना है अगर पॉसिबल हो तो उनके पैर के नीचे में भी सैंड बैग रखना है और पैर को स्ट्रेट रखना है रिमूव द एप्लियंस यूज फॉर द केयर ऑफ क्लाइंट इफ राइस ट्यूब वॉज इन फॉर द फीडिंग ऑफ क्लाइंट रिमूव द एस्पिरेशन थ्रू स्टमक कंटेंट कोई अगर आप प्रोसेस के दौरान नर्सिंग प्रोसेस के टाइम पर कोई इक्विपमेंट्स उनके बॉडी में छोड़े हो जैसे कि कैनोला राइस ट्यूब ऐसा कुछ तो वो सबको हमको निकालना है इफ़ ऑक्सीजन वॉज रिमूव एडमिनिस्टर्ड अगर हम लोग ऑक्सीजन लगाए हैं उस टाइम पर डेथ हो गए तो ऑक्सीजन को भी हटाना है ऑल द कम्फर्ट डिवाइस यूज फॉर द क्लाइंट शुड भी रिमूव्ड जितना भी कम्फर्ट डिवाइस मतलब कम्फर्टेबल डिवाइस कम्फर्ट डिवाइस या फिर जो नॉर्मल इक्ुपमेंट्स है वो सबको हटाना है इफ़ यूरिनरी कैथेटर वॉज पुटीन रिमूव इट आफ्टर ड्रेनिंग द ब्लैडर अगर यूरनरी कैथेटर भी है तो हम लोग को पूरा यूरिन हटा के फिर ड्रेन करके फिर हटाना है सॉलिड ड्रेसिंग टू बी रिप्लेस विद अ फ्रेश वन अडिसिव टेफ मास्क टू भी रिमूवड ठीक है जितना भी टेप वेप लगाए हैं उनके बॉडी पे मार्क करने के लिए वो सबको हटाना है और उनका बॉडी को क्लीन करके उनको फ्रेश कपड़ा पहना के रखना है रिमूव द ऑर्नामेंट ऑफ एनी टाइप फॉर्म ऑफ डेड बॉडी अगर कोई ऑर्नामेंट है कोई ज्वेलरी है तो वो सबको रिमूव करना है ऑल द रिमूवड ज्वेलर ऑल द ज्वेलरी आर रिमूव लिस्टेड अन ट्रस्ट टू द क्लोजेस्ट रिलेटिव एंड रिसिप्ड ऑप्टेन फॉर द डिलीवरी ठीक है क्योंकि जब पेशेंट ऐसे सीरियस पेशेंट आते हैं तो हम उनका पूरा ज्वेलरी पहले ही निकाल के उनको रिसिप्ट दिए होते हैं अगर ऐसा कुछ किए हैं तो उनसे रिसिप्ट लेके पूरा ज्वेलरी उनके क्लोज रिलेटिव्स को हैंड ओवर करना है ठीक है एनी अदर आर्टिकल्स बिलोंगिंग टू द क्लाइंट वॉज अनट्रस्टेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑल्सो शुड बी चेकड एंड अनट्रस्टेड टू द रिलेटिव अगर एडमिशन के दौरान अगर पेशेंट अकेला आया होगा तो वो अपना ज्वेलरी अपने फ़ोन सब कुछ वो क्या करता है हॉस्पिटल में सबमिट करता है तो और ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट अप्लायंस जैसे कि फ़ोन वोन अगर हॉस्पिटल में सबमिट है तो वो सबको भी रिटर्न करना है send the body as clean, send the body as clean and neatly dressed as possible to the mortuary. The body is bath, hair combed, dressed in clean cloth A perineal pad or diaper should be applied to prevent escape of urine or stool. ठीक है जब हम लोग mortuary में dead body को भेजते हैं तो उस time पे body को पूरा clean करना है ठीक है और अच्छे कपड़े और new कपड़े पहनाना है patient को dead body को ठीक है और यूरिनर लीकेज हो सकता है या फिर स्टूल भी लीक मतलब इनकंटिनेंस हो सकता है इसीलिए उनको एक डायपर पहनाना है जो डेड बॉडी रहते हैं उनको डायपर पहनाया जाता है ठीक है ऑल द ऑरीफेस आर टू बी प्लग्ड इन विद द कॉटन टू प्रिवेंट एक्सकेप ऑफ बॉडली डिस्चार्ज जितना भी ऑरिफेस है ऑरिफेस मतलब होता है होल है जैसे कि वजहना यूरेथ्रोस ठीक है ईयर जितना भी और फेस है वो सबको कॉटन डालना है ताकि वहाँ से डिस्चार्ज जो है वो बॉडी के बाहर ना निकले ठीक है क्योंकि बॉडी में रहेगा तो वो क्या है नॉर्मल फ्लोरा मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ हो के वो बॉडी को डी करने में हेल्प करेगा लेकिन अगर वो बाहर निकलेगा तो वो अपेरेंस अच्छा नहीं होगा फैमिली के लिए और फ्रेंड्स के लिए और उनके रिलेटिव्स के लिए द बॉडी इज़ मूव टू द मॉर्चरी विद प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टैग ठीक है उनका मतलब हाथ में एडेसिव टेप नहीं है लेकिन कपड़े में अ, कपड़ा आता है कपड़ा का टैग बना के कपड़े में उनका आइडेंटिफिकेशन नेम एज ठीक है सेक्स कौन से जेंडर के हैं वो भी लिखा जाता है ठीक है वो सब चीज़ उनका लिख के उनका टैग बना के उनके पैर में डाला जाता है मॉर्चरी में उनका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन टैग होना चाहिए क्लाइंट का नेम एज एड्रेस वार्ड नंबर बेड नंबर डेट एंड टाइम ऑफ डेथ एक्सेट्रा ठीक है रिटर्न एंड अटैच टू द वन ऑफ द रिस्ट इफ़ द रिलेटिव्स आर प्रेजेंट द बॉडी में बी हैंडेड ओवर देम अगर कोई रिलेटिव्स आ रहे हैं तो उनको दे दो अगर रिलेटिव्स नहीं आ रहे हैं तो वो हॉस्पिटल में रहेगा ठीक है क्लाइंट्स चैट विद ऑल द डिटेल्स अबाउट द कॉज ऑफ डेथ सर्टिफिकेट इज सेंट टू द ऑफिस विद रजिस्टर्ड बर्थ एंड डेथ ठीक है क्लाइंट का जितना भी सर्टिफिकेट है वो सब चीज़ सबमिट करना है कहाँ पे ऑफिस में आफ्टर द डेड बॉडी इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द रूम द रूम शुड बी ट्रीटेड इन केस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट ठीक है अगर बॉडीली डिस्चार्ज हुआ होगा उनके कोई और फेज से बॉडीली और फेज से तो जब हम लोग मॉर्चुरी से बॉडी को हटाते हैं या वार्ड बौड़ से बॉडी को हटाते हैं तो प्रॉपर क्लीनिंग होना चाहिए बॉर्ड का ओके थैंक यू द टॉपिक इज़ कम्प्लीटेड हाउ टू टेक केयर ऑफ बॉडी पहले क्या ध्यान देना है जस्ट आर रिविजन ठीक है पहले क्या ध्यान दोगे कि बॉडी को जब डेथ होता है तो फिजिशियन सेटिसफाइक सेटिस्फाई करता है ठीक है हम लोग नहीं बोल सकते कि डेथ हो गया और डेथ हो गया है तो सात घंटे पर रायगढ़ मोटिस होता है हार्डनिंग ऑफ बॉडी होता है ठीक है तो उससे पहले हम लोग को पूरे ऑरिफेस को मतलब पूरे बॉडी को क्लीन करना है और पूरे ऑरीफेस को क्लोज रखना है आई ईयर नोज वजाइना यूरेथ्रा हर जगह ठीक है फिर उन लोगों को क्या करना है जितने भी कम्युनिकेबल डिसीज़ वाले अगर डेड बॉडी कम्युनिकेबल डिसीज के पेशेंट का है तो प्रॉपरली सेल करना है अगर नहीं है तो उनका फेस विजिबल होना चाहिए वैसा फेस अनकवर करके कफाइन वो करना है लपेटना है ठीक है फिर क्या करना है स्पेशल अटेंशन किसको देना चाहिए जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है और कुछ कुछ ध्यान रखना चाहिए कि उनका बॉडी का डिसकलरेशन स्टार्ट ना हो तो प्रिजर्वेटिव या फिर अम्बालमिंग प्रोसेस किया जाता है ठीक है उसके बाद मतलब ब्लड वेसल्स ना फटे और ऑरिफेस से अब नॉर्मल डिस्चार्ज ना हो जो फ्रेंड्स और फैमिली के लिए मतलब अच्छा नहीं होगा मतलब उनके विज़न के लिए वो देखेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा अच्छा फ़ील नहीं होगा इसीलिए सब ऑरिफेस को क्लीन रखना है प्लस ये भी रीज़न है कि अगर डिस्चार्ज बॉडी के बाहर नहीं आएगा तो बॉडी जल्दी डीके होगा ठीक है अगर कोई ज्वेलरी लिए हो तो वो सब वापस करना और उसके बाद डेड बॉडी को क्लीन करके फ्रेश कपड़े पहना के मॉर्चुरी में भेजना है अगर पेशेंट के रिलेटिव्स हैं तो पेशेंट के रिलेटिव्स को देना है और पेशेंट के रिलेटिव्स नहीं है तो मॉर्चुरी में जाएगा हॉस्पिटल मॉर्चुरी में ठीक है और उसके बाद जो उनका डेथ सर्टिफिकेट है उसका एक कॉपी ऑफिस में भी सबमिट होना चाहिए उनका बर्थ और डेथ और रीजन ऑफ क्या कैसे डेथ हुआ वो और पेशेंट का जो पेशेंट है उसके रिस्ट में या उसके टो में पैर के टो में कहीं ना कहीं उसका आइडेंटिफिकेशन टैग डालना है जहाँ पे उसके बारे में पूरा डिटेल हो एज एड्रेस नेम ठीक है जेंडर रीज़न ऑफ डेथ ये सब चीज़ डाला जाता है उसके बाद क्या करना है आफ्टर द डेड बॉडी रिमूव्ड फ्रॉम द रूम फिर डेड बॉडी को मॉर्चुरी में ले गए या रिलेटिव्स ले गए उसके बाद वार्ड को क्लीन करना है और मॉर्चुरी से भी ले जाते हैं तो मॉर्चुरी को भी जहाँ पे उस डेड बॉडी का रखा गया है उस बेड को क्लीन किया जाता है ठीक है थैंक यू द टॉपिक इज़ कंप्लीटेड